दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार झा आज फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। दोस्तों, पिछले एक जो आपने शायद एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने टू स्ट्रोक फोर इंजन के बारे में बताया था, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। दोस्तों, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एक IC इंजन का पार्ट्स होता है, मतलब इंटरनल कम्बशन इंजन के पार्ट्स होते हैं। इसके ना जो पावर साइकिल का जो कंप्लीट्स होते हैं, मतलब पावर साइकिल का जो वन जो रिवोल्यूशन होता है उसमें पिस्टन का टू स्ट्रोक्स होता है और क्रैंकशाफ्ट का वन रिवोल्यूशन में मुझे पावर मिल जाते हैं इस साइकिल के अंदर। दोस्तों, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं उनके बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आप इस फिगर में देख रहे होंगे। जैसा कि टू स्ट्रोक का जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो इस तरीके से, हमारे पास जो ऊपर आप देख रहे हैं उसका नाम है हमारा फ्यूल, जहाँ से फ्यूल हमारा इग्निशन होता है। हमारे पास जो बीच वाला आप लाइन देख रहे हैं उसका नाम ट्रांसपोर्ट पोर्ट है, जो साइड आपको एक वाइट टाइप का दिख रहा है। फिर उसमें एक फ्यूल मिक्सचर जो है, जो आपको जो फ्यूल इग्नाइट हुआ है उससे बाहर निकल रहा है। हमारे पास एक जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पोर्ट है उसके अंदर एक वाल्व है जो हमारा ओपन होता है। एक क्रैंकेज लगाए गए यहाँ पे, क्रैंकेज, और एक आप पिस्टन देख रहे हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं दोस्तों, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में जो सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो आज का जो जनरेशन है उसमें हम लोग टू स्ट्रोक को यूज नहीं करते। हमारे पास पूछे जाते हैं बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कि भाई तुम टू स्ट्रोक को क्यों नहीं यूज करते, हमारे पास क्या ऐसा रीजन होता है हमारे पास। तो टू स्ट्रोक बेसिकली इसलिए अब बैंड हो गया हमारे पास, क्योंकि टू स्ट्रोक के अंदर हमारा जो फ्यूल होता है वो सही इफिशियंट रूप से आपको सप्लाई नहीं हो पाता, मतलब प्योरली जो कम्प्लीट इग्निशन होता है वो आपको यहाँ पे नहीं हो पाता है। दूसरी बात क्या होती है, जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं उसके लिए पोल्यूशन भी है वो आपको ज्यादा होता है हमारे पास, इसीलिए हम लोग टू स्ट्रोक को ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं करते हमारे पास। दोस्तों, आपने पहले समझ रखा आपने पावर मिलता है आपको, वह कैसे मिलता है, मतलब दो बार पिस्टन का मूवमेंट होता है इसमें आपको पावर मिल जाता है। मतलब एक बार जो पिस्टन घूमेगा तो सक्शन कंप्रेशन हो जाएगा, और एक बार जो पिस्टन घूमेगा तो एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन जब क्रैंकशाफ्ट अगर एक बार रोटेट करता है, उसी एक बार रोटेशन में आपको सक्शन भी, कंप्रेशन भी, एक्सपेंशन भी, एग्जॉस्ट भी, ये तीनों चीजें आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, जो टू स्ट्रोक इंजन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3D में कुछ दिखाया गया आपके सामने, जो 3D में कैसा होता है, प्रोसेस हमारे वही होते हैं सब के सब। जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसका जो फंक्शनिंग होता है वो बहुत ही ईजी होता है हमारे पास, क्योंकि इसके जो इसके अंदर भी जो एक क्रैंकेज लगा होता है और एक जो हमारे पास जो वॉल्व होता है वो ओपन होता है। हमारे पास जो वाल्व हमारे पास ओपन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो फ्यूल का जो सप्लाई होता है वो आपको सही इफिशियंट रूप से हो जाता है हमारे पास। दोस्तों, अगर इसको थोड़ा इलेबरेट करना चाहें तो हम ये देखेंगे, जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है हमारे पास वो एक जगह ऑटो इंजन होता है, इसकी इफिशियंसी आपने पढ़ा होगा। और जो टू स्ट्रोक की जो इफिशियंसी होती है वो हमारे पास उसके CR पे, मतलब कंप्रेशन रेशियो पे, और उसके हमारे पास थर्मल इफिशियंसी पे ही आपको बेस्ड होता है हमारे पास। दोस्तों, अगर टू स्ट्रोक की हम बात करें और भी बहुत सारे ऐसे, तो लेकिन आज का जो जनरेशन है उसमें हम टू स्ट्रोक यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, मैंने बता दिया पीछे आपको, ये टू स्ट्रोक में फ्यूल का सही रूप से सप्लाई नहीं हो पाता है, और उसके साथ साथ जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं वो आपको ज्यादा ही पोल्यूशन को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम टू स्ट्रोक को यूज नहीं करते हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आपको काम करता है हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास एक प्रोसेस होता है स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो फ्यूल हमारा बर्न होता है, वह फ्यूल बर्न होने के बाद जो अनवांटेड होता है, और कितना आपका इंजन आपने लिया उसको कितने आपका बच गया जो बाहर निकल जाता है, तो ये जो प्रोसेस होते हैं हमारे पास वह हमारे पास सब के सब हमारे पास वो स्केवेंजिंग प्रोसेस के अंदर कहा गया। हमारे पास टू स्ट्रोक इंजन हमारे पास सेम प्रोसेस है, मैंने बताया आपको सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट सेम प्रोसेस। सक्शन में क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, जो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है। एक्सपेंशन में क्या होता है, हमारे पास जो प्रेशर बनते हैं उसके बाद जो मशीन स्टार्ट होती है उसकी वॉल्यूम वहां से इलिब्रेट होता है हमारे पास। और एग्जॉस्ट में क्या होता है, हमारे पास की जो भी गैसेज वगैरह बर्निंग होते हैं वो बर्न होकर जो स्मोक के द्वारा बाय साइलेंसर निकलते हैं उसे हम लोग एग्जॉस्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास उसके प्रोसेस होते हैं हमारे पास। तो यही है एक छोटी सी डिफरेंस हमारे पास टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक में। मैंने पहले ही बता रखा था टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक पेट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। आप एक बात याद रखेंगे, जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है उस टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो हमारे पास जो पिस्टन का मूवमेंट होता है वो दो रिवोल्यूशन होता है और क्रैंकशाफ्ट का एक रिवोल्यूशन होता है।
लेकिन जो हमारे पास फोर स्ट्रोक होते हैं, उस फोर स्ट्रोक के अंदर हमारे पास चार बार जो क्या करता है, हमारे पास टू रोटेशन होता है पिस्टन का और टू रोटेशन होते हैं हमें क्रैंकशाफ्ट का, तभी जाकर मुझे पावर साइकिल मिलता है हमारे पास। और उसके जितने के जितने आप आईपीओ डायग्राम, इनलेट वॉल्व ओपन होता है, आउटलेट वॉल्व होगा, ये सब के अलग अलग एंगल जो है वो आपको अगली क्लास में बता दिए, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू था। और बाकी जो प्रोसेस है, जितने डिवाइस है, कार्बोरेटर, नोजल, इंजेक्टर, ये सब के सब जो हमने फोर स्ट्रोक में पढ़ा है, वही सेम फंक्शन यहाँ पे भी यूज होता है, लेकिन बेसिकली ये बहुत ही कन्वेंशनल हो गया है, इस वजह से ज़्यादा इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसीलिए आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फोर स्ट्रोक को ही ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि फोर स्ट्रोक अभी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, और हर जो हमारे पास आज के ऑटोमोबाइल सेक्टर की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, उस सब के अंदर फोर स्ट्रोक ही यूज होते हैं। धन्यवाद। ये बात।